Hello friends, welcome to another video from the video series of Linux Server Administration. Myself Mansoor Lassan, I'm senior Linux Server Consultant in AWS Technologies powered by Service Planet. Previous videos में जो हमने काम किया था MongoDB के ऊपर काम किया था और आज हम उसी सीरीज को फर्दर आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि हम किस तरह से MongoDB के पे फर्दर काम करते हैं. आज जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें हम MongoDB रेप्लिका सेट्स के ऊपर काम करेंगे. अच्छा, बेसिकली बिफोर हम आगे बढ़े उससे पहले हम रेप्लिका सेट्स को समझ लेते हैं. रेप्लिका सेट्स इट्स लाइक अ रेप्लिकेशन. जैसे MySQL में हम रेप्लिकेशन करते हैं, इसी तरह से हमारे पास MongoDB में भी रेप्लिकेशन होती है. उसमें होता क्या है कि आपके पास एक प्राइमरी नोड होता है और उसके अलावा कुछ सेकेंडरी नोड्स होते हैं. अच्छा, रेप्लिकेशन बेसिकली हाई अवेलेबिलिटी के लिए की जाती है ताकि आपके जो डेटाबेस सर्वर है, अगर आपके डेटाबेस के सर्वर को क्लस्टर्स बनाया जाता है, क्लस्टर बनाया जाता है, मतलब मल्टीपल डेटाबेस के जो MongoDB इंस्टेंसेज होते हैं उनको कंबाइन कर दिया जाता है ताकि आपके डेटा की हाई अवेलेबिलिटी रहे और आपके पास डेटा लॉस्ट और के चांसेस कम हो और आपके पास अप टाइम के चांसेस बहुत ज़्यादा. अच्छा, तो होता क्या, जब भी आपका कोई भी रेप्लिकेशन सेट कन्फिगर करते हैं आप, तो उसमें होता क्या है कि आपका एक प्राइमरी नोड होता है और उसके अलावा दो सेकेंडरी नोड होते हैं. प्राइमरी नोड जो होता है हमेशा राइट ऑपरेशंस करने के लिए काम आता है, मतलब जो भी राइट ऑपरेशन होंगे वो प्राइमरी नोड पे होंगे और उसके बाद प्राइमरी नोड जो है उसके अलावा सेकेंडरी नोड को डाटा सेंड करेगा. लेट सपोज रेप्लिकेशन सेट का हमारे पास फायदे क्या, प्राइमरी नोड का हमारे पास एक भी है, तो MongoDB में हार्ट बीट की एक सर्विस चल रही होती है. वो बेसिकली डिटेक्ट करती है कि तीनों इंस्टेंसेस के बीच में हमारे सारे इंस्टेंसेस अप है या नहीं. लेट सपोज हमारा प्राइमरी इंस्टेंस डाउन हो जाता है तो सेकेंडरी इंस्टेंस में से कोई एक इंस्टेंस जो है प्राइमरी इंस्टेंस बन जाता है और वो प्राइमरी इंस्टेंस तब तक बना रहता है जब तक उसके मतलब ये बेसिकली क्वालिफाइड मेथड होता है जिसमें MongoDB की जो हार्ट बीट की सर्विस होती है वो डिसाइड करती है किस MongoDB के इंस्टेंस को प्राइमरी बनाना है और किसको सेकेंडरी बनाना है. तो आज हम यही चीज़ सीखेंगे कि किस तरह से हम MongoDB को इंस्टॉल करते हैं. अभी मेरे पास जो प्राइमरी नोड है उसके ऊपर मैंने MongoDB इंस्टॉल किया हुआ है. MongoDB की सर्विस को स्टार्ट कर देते हैं. CDL स्टार्ट. मैं जो है मोंगो सेंटोस 7 यूज कर रहा हूँ. ठीक है, मेरे पास ये MongoDB का एक इंस्टेंस चल रहा है. इसके अलावा मुझे दो में और मोंगो इंस्टॉल करना है. तो मोंगो को इंस्टॉल करने के लिए मैंने मोंगो 3.4 का वर्जन यूज़ करा है. ये उसकी जो है रेपोजिटरी का रेपोजिटरी है, रेपो की फाइल है. ठीक है, ये मेरी रेपो की फाइल है जिसको मैं अपनी जो MongoDB के बाद अदर इंस्टेंसेज है उनके ऊपर भी डाल दूंगा. यही काम जो है मैं आपके दूसरे नोड के ऊपर कर देता हूँ. अभी फिलहाल मेरे पास तीन नोड का रेप्लिका बना हुआ है तो मुझे तीन नोड को ही सेटअप करना है फिलहाल. जब तक मेरा इंस्टॉल होता है तो मैं अपने बाकी नोट को देख लेता हूँ. ठीक है, यहाँ पे ये डाउनलोडर है मेरा इंस्टेंस, यहाँ पे मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है.
जब हम एप्लीकेशन इनेबल करते हैं तो हम मोंगो को जो है थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में स्टार्ट करते हैं। मोंगो को हम थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में इस तरह से स्टार्ट करते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि हम मोंगो की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाएं और मोंगो की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम अपना एप्लीकेशन जो है वो डिफाइन कर दें, जो कि कहाँ पे होता है, इसके बियॉन्ड होता है। और दूसरा तरीका ये होता है कि हम रन टाइम के ऊपर मोंगो को स्टार्ट करें और मोंगो को जो है उसके रेप्लिका सेट्स के साथ चलाएं। सबसे पहले हम प्राइमरी नोड पर आते हैं और जो हमारा एक्जिस्टिंग मोंगो की सर्विस है उसको बंद कर देते हैं। ठीक है, सिस्टम सीटीएल स्टॉप मोंगो डी। ठीक है, प्रोसेस ग्रैब करके देख लेते हैं। ठीक है, मोंगोडी का प्रोसेस नहीं चल रहा है। सबसे आसान तरीका यह है कि मैं मोंगोडी के प्रोसेस को दोबारा स्टार्ट करूं, और किस तरह से करूं, मोंगोडीबी माइनस माइनस कॉन्फिग स्लैश etc mongodb। ठीक है, उसके बाद अपने रेप्लिकेशन सेट का जो है नाम बता दूँ, लाइक मैंने कर दिया है rs0 कि मेरे रेप्लिकेशन सेट का नाम है रेप एल सेट जी rs0। तो अब मैंने मोंगो को स्टार्ट कर दिया और ये कह रहा है चाइल्ड प्रोसेस गोइंग टू एग्जिट, इस एरर को पढ़ने के लिए मैं थोड़ा सा वीडियो पॉज कर रहा हूँ। अच्छा, थोड़ा सा सिंटैक्स इशू था वो मैंने फिक्स कर दिया है। और अच्छा, अभी मैंने ये करा है रेजिस्टेंस कॉन्फ़िगरेशन के साथ सेटिंग करी है, तो अब उसके लिए हमने क्या करना होता है, हम मोंगो डीबी की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाएंगे और यहाँ पर हमने रेप एल सेट नेम rs0। अच्छा, इसमें स्पेसिंग का थोड़ा सा ख्याल रखना है कि जैसे दो स्पेस के बाद ही आपने इसको डिफाइन करना है, क्योंकि जो कॉन्फ़िगरेशन होती है ये स्पेस और इंटेंशन सेंसिटिव होती है, तो इसका बड़ा ख्याल रखना है। उसके बाद हमने जो है अपनी मोंगो की सर्विस को स्टार्ट करना है। ठीक है जी, मोंगो की सर्विस को स्टार्ट कर देते हैं। मोंगो की सर्विस स्टार्ट हो गई, मोंगो कनेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, सबके ऊपर जाके हमने कॉन्फ़िगरेशन कर ली है जो हमने अपने इस इंस्टेंस पर करी है, तो हम बाकी सारे इंस्टेंस के ऊपर भी जो है वो कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं। एप्लीकेशन वाले टैग को इनेबल करना है, चाहिए और उसके बाद दो स्पेस देने के बाद हमने लिखना है रेप एल सेट नेम, और उसके बाद वही नाम देना है जो हमने पहले वाले इंस्टेंस पे दिया था, रेप एल सेट नेम। RS0 जो है हम सब हमारा जितनी भी इंस्टेंसेस है उनका जो है एप्लीकेशन सेट का जो नाम है वो RS0 है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने प्राइमरी नोड के ऊपर और उसके बाद हम एक कमांड इशू करते हैं, हम अपना क्लस्टर जो है वो इनिशिएट करते हैं। अच्छा, क्लस्टर कैसे इनिशिएट होता है, rs.initiate। ठीक है, इससे हमारा जो क्लस्टर है ना वो इनिशिएट हो जाता है।
अच्छा जी, अब इसके अलावा हमने जो काम करना है, होस्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जो है ना सबके होस्ट के नाम जो है मैप कर लें, जीरो उससे पहले हमें एक और काम करना होगा जो हमने अभी तक नहीं करा, दोबारा से मोबाइल कॉन्फ़िगरेशन पोर्ट में कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और एक चीज़ वेरीफाई करेंगे, जो आपका मोंगो हो वो हर जगह से लिसन कर रहा हो। लाइक हमने इसको जो है यहाँ पे चेंजेस करने होंगे, अभी मोंगो अगर सिर्फ लोकल होस्ट पे लिसन करेगा तो एप्लीकेशन नहीं चल पाएगी, ठीक है। तो इट शुड बी लाइक ठीक है जी। अब हमने मोंगो की सर्विस को रिस्टार्ट करना है, ठीक है। यही काम हमने अदर इंस्टेंसेस पे भी करना है। हमारा जो मोंगो है वो कहीं और से लिसन कर सके, एक और बार फिर इसको जो है ना इनिशिएट कर देते हैं, ठीक है जी। इसका मतलब है कि ये ओके हो गया। अब दूसरा हमने काम ही करना है, हमने दूसरे जो मोंगो के इंस्टेंस है उनको भी ऐड करना है। आर एस ऐड, इस कमांड से हम जो अपने अदर इंस्टेंसेज हैं उनको ऐड करेंगे, जैसे मोंगो वन, ठीक है। मोंगो वन हम ऐड करते हैं, पोर्ट लिसनिंग का मसला आ रहा है, फायरवॉल का इशू होगा, वो फिक्स करना पड़ेगा। सो लेट मी फिक्स इट, जो था वो प्रीवियसली फायरवॉल का इशू था,
तो हमने करना है अब इसमें नोट्स ऐड करना है, ठीक है। मंगो 1 ओके हो गया, मंगो 2 ओके हो गया, आरएस डॉट स्टेटस करके देखेंगे तो इसने हमें बहुत सारी चीजें दिखा दी। इसमें जो काम का आइटम है वो देख लेते सीधे सीधे से, ठीक है। मेंबर्स, ठीक है, इसका स्टेटस क्या रहा है, प्राइमरी। जो हमारा एप्लीकेशन सेट है, सेट का नाम क्या, RS0, ये हमारे डेटा स्टेटस क्या है, भी 1 है, मतलब ओके, ठीक है जी। मेंबर्स कौन कौन से हैं, मोंगो 0 जो है ये प्राइमरी है अभी, ठीक है जी। और मोंगो 1 जो है इसका जो स्टेटस आ रहा होगा वो थोड़ा सा नीचे आ रहा होगा, ठीक है। एक प्राइमरी है और बाकी सब सेकेंडरी है। अब अगर मैं मोंगो यहाँ से जाके कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, अच्छा इसके लिए हमें जो है जब ताकि हमारे जो इंस्टेंसेज हैं वो रीड ऑपरेशंस कर सकें, उसके लिए हमें ज़रूरी होता है कि हम अपने जो स्लेव हैं उनके ऊपर ये कमांड चलाएं, मतलब जो अपना प्राइमरी है, गेट अभी जो है मेरा जो ये है स्लेव, तो अभी प्राइमरी कौन सा है, तो एक छोटी सी गलती जो मैंने आइडेंटिफाई करी है, मैंने प्राइमरी नोड के ऊपर जो है वो होस्ट नेम जो है वो ऐड कर दिए थे, बट ये सारा काम जो है सेकेंडरी नोड पे नहीं करा था। तो मेक श्योर करिएगा कि जब भी आप होस्ट नेम यूज़ करें या तो आप वो रिजॉल्वेबल हो सेम नेम टू अक्रॉस ऑल द क्लस्टर्स, क्लस्टर के नोड्स पे। और दूसरा ये कि आपके अगर ऐसा नहीं है, आप होस्ट फाइल भी यूज़ कर रहे हैं तो आप होस्ट फाइल पे सब जगह जाके अपडेट करें, जैसे कि मैंने अपडेट करा है, ठीक है। ये मैंने अपनी होस्ट फाइल में जो है ना सबकी आईपी की जो है ना एंट्री कर दी थी, ये ठीक है। और यही एंट्रीज मैंने फिर जो है सारे जगह पे जाके कॉपी पेस्ट कर दी, ताकि नेम रेजोल्यूशन जहाँ पे हो रहा होगा ना, तो वहाँ पर क्योंकि मैंने अपने जो सारे नोट्स हैं वो नाम के बिहाफ पे जो है ना अपने रेप्लिका सेट में इनेबल करे थे, तो ये एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है जो मेरे से मिस हो गई बताना, और बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे ये बताना चाहिए, ठीक है जी। तो ये इंश्योर कर लेगा कि आप सारे आपके जो सारे होस्ट हैं सबसे पहले जो है दूसरे को रिजॉल्वेबल हो। अगर आप नेम यूज़ कर रहे हैं, आईपी यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, बट क्योंकि मैंने नेम यूज़ करा था तो मेरे लिए ये ज़रूरी था, ठीक है जी। मैं अभी अपने प्राइमरी नोड पे खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। शो DBS करते हैं, तो जो यहाँ पर है वो वहाँ पर नजर आएंगे। हम लिखते हैं यूज़ टेम्प, टेम्प का एक DB बनाते हैं,
ठीक है जी। अभी हमने जो है एक डेटाबेस बनाया, बट ये जो डेटाबेस है ये तब तक विजिबल नहीं होता मोंगो के अंदर। मोंगो के अंदर कोई भी डेटाबेस जब तक विजिबल नहीं होता जब तक उसके अंदर डेटा ना आ जाए। तो मेरे पास जो है अभी टेम्प का डेटाबेस नहीं आ रहा है, तो ये जब तब आएगा जब मैं इसके अंदर कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करूँगा। तो मैं रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए करता हूँ db.temp डॉट इंसर्ट, ठीक है। उसके बाद हम राउंड ब्रैकेट शुरू करते हैं, उसके बाद एक एक स्पेस दे के बीच में आ जाते हैं, सही है। और आइटम हम अपना पहला कॉलम बना देते हैं आइटम, ठीक है। आइटम के अंदर वैल्यू क्या रखते हैं, रख देते हैं हम कार्ड, ठीक है जी। कार्ड की वैल्यू रख देते हैं और कार्ड की वैल्यू कर देते हैं क्वांटिटी क्यूटी वाई शॉर्ट सिंबल ले लेते हैं और क्वांटिटी कर देते हैं 12, ठीक है। अब अगर मैं शो डीबीएस करूँगा तो ये नज़र आएगा और यही सारा डेटा मेरे स्लेट के ऊपर भी नज़र आना चाहिए, ठीक है। टेम्प का डीबी आ गया मेरे पास। अच्छा, अगर मैं यूज टेम्प करूँ और उसके अंदर अब करूँ शो कलेक्शंस, तो मेरे पास टेम का एक कलेक्शन भी आ रहा है जो कि मैंने यहाँ पे बनाया था। ओके, ये चीज़ मुझे अगर स्लेट पे देखनी है तो बाय डिफॉल्ट स्लेट पे जो होता है रीडिंग डिसेबल्ड होती है। अगर मैं लिखूँ शो डीबीएस, ठीक है, तो ये नहीं आएगा। उसका एक रीज़न ये है कि मैंने अपने स्लेट को ओके नहीं करा हुआ। तो उसके लिए मुझे जो सबसे आसान काम करना पड़ता है वो ये करना पड़ता है कि मुझे अपने स्लेट को जो है ओके की स्टेट में लाना पड़ता है, और उसके लिए छोटी सी कमांड देनी पड़ती है। db.get mongo.db slate ok, ठीक है, ये हो गया। ये चीज़ जो है मैं अपने स्लेट पे करके चलाता हूँ, ठीक है जी, ये हो गया। अब मेरे पास यहाँ पे भी मैं अपने रीड की क्वेरी जो है अपने स्लेट से भी लगा सकता हूँ, करके ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब हम जो है अपना प्राइमरी नोड बंद करते हैं और अब देखते हैं सेकेंडरी नोड कौन सा जो है प्राइमरी सिलेक्ट होता है। टारगेट ये कि अब हमने जो है टेस्ट करना है कि हमारी रेपुटेशन के केस में क्या होता है, क्योंकि मोंगो का बाय डिफॉल्ट बिहेवियर ये होता है कि वो अपना जो है मास्टर खुद ही चुन लेता है। तो अभी जो है मैं मोंगो को बंद कर रहा हूँ, मतलब प्राइमरी के मोंगो को बंद कर रहा हूँ, ठीक है जी। प्राइमरी का मोंगो बंद कर दिया। अब जो है मैं इसके लॉग्स खोल लेता हूँ, टेल स्पेस माइनस एफ स्लैश वार स्लैश लॉग मोंगो, ठीक है, ये बंद हो गया। अब यहाँ पे आगे चेक करते हैं। अब इन दोनों में से उसूली तौर पे कोई एक प्राइमरी देखो, ये हमारा सेकेंडरी था, ये अब प्राइमरी बन गया। अब हम जरा इसके लॉग्स चेक करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि क्या किस तरह से इसने अपने आप को प्राइमरी सेलेक्ट करवाया, क्योंकि नॉर्मली जो है प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर जो है हमारे मोंगो जो है वो चीज़ें सेलेक्ट करता है।
अच्छा अभी तक जो है ना इसका ये एरर दे रहा है कि भाई जो आपका प्राइमरी था ना वो मंगो जीरो जो आपके क्लस्टर में जो है डाउन आ रहा है डाउन आ रहा है। ऊपर जाके हम देखेंगे तो इसने अपने आप को जो है सेकेंडरी स्लेव मतलब अपने आप को मास्टर माना हुआ होगा। ये हमारा अभी तक मास्टर ही होगा। ठीक है सेम एरर लॉग आ रहे हैं। अब अगर मैं पुराना वाला मंगो अप कर देता हूँ ये वाला मंगो अप कर देता हूँ तो अब ये जो है एज ए सेकेंडरी जो है स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है अब अगर मैं इसको कनेक्ट करूँ तो इसने कनेक्शन ओपन सक्सेसफुली। ठीक है उन दोनों के साथ भी कनेक्शन बना लिया मोंगो टू के साथ भी बना लिया इसने। ठीक है मोंगो जीरो के साथ अच्छा यहाँ पे आ गया मोंगो वन जो है वो इज नाउ इन प्राइमरी स्टेट और मोंगो टू जो है सेकेंडरी स्टेज में आ गया। सही है जी इसी तरह से यही चीज़ जो है लॉग जो है हम यहाँ पे भी देखते हैं तो मोंगो जीरो इज इन सेकेंडरी स्टेट और यहाँ पे भी देखते हैं तो हमारे पास इसी तरह का कोई ऑप्शन आ रहा होगा मोंगो जीरो इन सेकेंडरी स्टेट। तो इसी तरह से जो हमारा क्लस्टर जो है मोंगो का चलता है और इसी तरह से जो है ना वो अपनी चीज़ों को खुद ही मैनेज करता है हार्ट बीट के बेसिस के ऊपर। आई होप इस वीडियो में आपके लिए बहुत कुछ सीखने के लिए होगा और आइंदा आने वाली वीडियो में भी हम कुछ ना कुछ नया लेकर आएंगे। टिल देन कीप वॉचिंग कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर वीडियो सब्सक्राइब अवर चैनल विच इज़ ऑन यूट्यूब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।